अगर हम बात करें डीजल लोकोमोटिव के बारे में, तो अगर हम समझो डीजल लोकोमोटिव को टोटली बंद कर देते हैं तो डीजल लोकोमोटिव का क्या होगा। पहली बात, जहां हाई लोडिंग मतलब हाई लोड खींचना है वहां डीजल लोकोमोटिव का यूज़ होगा, और जहां अपने को ढलान या अदरवाइज पहाड़ी चढ़ना है वहां पे डीजल लोकोमोटिव का यूज़ होगा। और डीजल लोकोमोटिव क्यों बंद करेंगे? पहली बात, डीजल लोकोमोटिव को चलाने के लिए बहुत ही हाई कॉस्ट पड़ती है, उसकी वजह से डीजल लोकोमोटिव को चलाने के लिए सरकार को नहीं पुराता, जिसकी वजह से कभी ना कभी डीजल लोकोमोटिव बंद होकर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यूज में लाए जाएंगे। और दूसरी बात, जब कभी अपने को इमरजेंसी में कहीं तार टूटा है या कोई इमरजेंसी आती है तभी हम डीजल लोकोमोटिव का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी बात, अगर अपने को डीजल लोकोमोटिव को अपन सेल भी कर सकते हैं कम प्राइस में अदर कंट्री को, उसकी वजह से अपने को फ़ायदा भी होगा एक प्रकार का। चलो हम मान लेते हैं डीजल लोकोमोटिव को बंद करके हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यूज़ करेंगे, तो पुराने डीजल लोकोमोटिव को क्या होगा और क्या करेंगे इसके? और जो बाकी लोकोमोटिव बचे हैं उसको हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट करके उसका यूज़ ले सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल होगा डीजल लोकोमोटिव का यूज़ में लेना।